हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 8 है, जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए दोस्तों, किस में है वो? वह है गुजरात में। ओके दोस्तों, और ये जो तट रेखा है क्या होती है? ये वह क्षेत्र होता है जहाँ भूमि, समुद्र और महासागर वो सब मिलते हैं, वो तट रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीप, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये सभी तटरेखाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग डैश है, क्या होता है बताइए? तो वह होता है दांत का इनेमल, इसको दंत वल्क भी कहते हैं हिंदी में, दंत वल्क। और इसका जो निर्माण है किससे होता है? वो होता है कैल्शियम फास्फेट से। ओके दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं ये, कौन कौन से? डेंटिन, सीमेंटम और डेंटल पल्प, दंत पल्प, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? बताइए दोस्तों, किसे करते हैं? तो वह करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ओके दोस्तों, और ये जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो कौन होता है? वह लोकसभा के बाद उपाध्यक्ष होता है जो लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है और बजट समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष अभी वो कौन है? वो है ओम प्रकाश बिरला। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? नेशनलिटी बतानी है तो किसके द्वारा दी जाती है? वह दी जाती है भारत के सह राष्ट्रपति द्वारा। ओके दोस्तों, और जो भारत का संविधान है वो पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा। और ये भारत की जो नागरिकता है ये संविधान के द्वितीय भाग में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दी गई है भारत की नागरिकता। इसे हम किसके द्वारा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या होता है? वो होता है जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकृत, रजिस्ट्रेशन और समीकरण के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा जाता है? तो वह जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिका नाम से भी जाना जाता है, लैटिन नाम होता है इसका। ठीक है, ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है जो लाल चींटियों में पाया जाता है, शहद की मक्खियों में, बिच्छू और बर्रों के डंकों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? यूनिट बतानी है तो वह है मीटर प्रति सेकंड घन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? बताइए दोस्तों, किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है बच्चों के टीकाकरण से, ठीक है, इससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष अभियान। और ये किसके द्वारा शुरू हुआ है? भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और जो हमारे अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है वो कौन है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके दोस्तों, और ये जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है, इसके अंतर्गत जो है सभी बच्चों को टीकाकरण लगना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। ओके, और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, आपको ये भी पता होना चाहिए, डिप्थेरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बताइए कौन थे वो? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके दोस्तों, और ये कौन थे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। ठीक है, गोल्ड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे ये। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के लिए इससे पहले के एक से लेकर पार्ट 7 पार्ट ज़रूर आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, बताइए कौन से धर्म में हुए थे वो? तो वह हुए थे जैन में। ठीक है, जैन धर्म। इसके अकॉर्डिंग जो तीर्थकर हैं उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस डैश को आता है कब मनाते हैं, बताइए? तो वह मनाते हैं 26 नवंबर को। ओके दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हो चुका था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को यह लागू हुआ था, बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था, याद रखिएगा। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? तो वह कहलाती है कोरोना। ओके, और ये जो सूर्य है आपको पता ही होगा क्या है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है, और ये जो कोरोना है इसका निर्माण जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था? प्लाज्मा के द्वारा हुआ था। कोरोना का तापमान लाखों डिग्री का होता है और पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, कौन थे बताइए? तो वह हैं दयानंद सरस्वती। ओके दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 में। ठीक है, मुंबई में हुई थी, मुंबई में गिरगांव में इसकी स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्या है ये कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक होते हैं ये, माने जाते हैं आर्य समाज के संस्थापक। इनके जो बचपन का नाम था वो था मूलशंकर, और जो इनके गुरु थे वो थे स्वामी विराजानंद। ठीक है, आर्य समाज क्या है आपको ये भी पता होगा, ये एक हिंदू सुधार आंदोलन है, और जो आर्य समाज के लोग थे वो शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इन्हीं के उपलक्ष्य में उन्होंने सत्यार्थ नामक पुस्तक भी लिखी है हिंदी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं, बताइए किसके परामर्श द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है मंत्री परिषद द्वारा। ठीक है दोस्तों, और संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। और जो हमारे अभी प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति है हमारे रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई किस वर्ष के महीनों में की जाती है, बताइए कब की जाती है? वो की जाती है सितंबर से अक्टूबर में। ओके दोस्तों, और इसको जो बोते हैं खरीफ की फसल को वो कब बोते हैं? वो बोते हैं जून से लेकर जुलाई में। ठीक है, और जो खरीफ की फसल होती है कौन कौन सी होती है? वो होती है गन्ना, ज्वार, धान, बजड़ी, मक्का, मूंग और मूंगफली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है, बताइए किसके लिए की गई है? तो वह की गई है लघु कारोबार के लिए। ओके दोस्तों, और मुद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए, वो हुई थी 8 अप्रैल
8 अप्रैल 2005 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है मुंबई में। ओके दोस्तों, और ये जो मुद्रा बैंक था, ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? जो युवा शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमी हैं उनको मदद देकर मुख्य धारा में लाना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? बताइए किसके बराबर होता है? तो वह होता है -270 डिग्री सेल्सियस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है, क्या और चीज़ कहा जाता है बताइए? वह कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। और इसमें क्या होता है? कोशिकाओं के शरीर क्रियात्मक गुणों का रचना होती है, संरचना, कोशिकंगों, बाह्य पर्यावरण के साथ क्रियाओं, जीवन चक्र, विभाजन और मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? बताइए किस में पाए जाते हैं, इनमें से किसका स्रोत है? तो वो है प्रोटीन्स, ठीक है दोस्तों। और ये जो है प्रोटीन, इसकी खोज किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो वह की थी जे बर्जीलियस ने, ठीक है, 1930 में इसकी खोज की थी। ओके दोस्तों, और ये जो प्रोटीन है किस किस में पाया जाता है? ये दालों में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडे में, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही और, ठीक है, याद रखिएगा। ये किससे मिलकर बना है? ये बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बच्चों में होता है सूखा रोग, मेरस्मस कहते हैं, और क्वाशी और कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए? तो वह स्थित है राजस्थान में। ओके दोस्तों, और ये जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है ये? एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भरतपुर पक्षी विहार। ओके, और यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा राज्य है, और जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? जयपुर पिंक सिटी। जयपुर पिंक सिटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और जो इसके गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा, ठीक है दोस्तों। CM है यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। और इसका जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, वो है जोधपुर में। यहाँ पे दो मुख्य अभयारण्य हैं वर्ल्ड फेमस, रणथंबोर और सरिस्का, ठीक है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। और ये जो था युद्ध, ये प्रथम युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर के हाथों मारा गया था वो, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासनकाल समाप्त हो गया था। आखिरी वंश था ये, ठीक है, कौन से का, किसका था ये? लोदी वंश का था, ठीक है। और जो लोदी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी बहलोल लोदी ने, 1451 से लेकर ये 1526 तक अस्तित्व में रहा था, ठीक है दोस्तों। और ये जो इब्राहिम लोदी थे, इनका कार्यकाल था 1517 से लेकर 1526 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, हमारे सारे क्वेश्चन एंड हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और SSC मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।